आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बिजनौर पुलिस ने छापेमारी कर भारी मात्रा में अवैध कच्ची शराब के साथ 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से 100 लीटर कच्ची शराब और 2500 लीटर लहान को पकड़कर उसे नष्ट कर दिया है। पुलिस ने 2 थानों में इन सभी को 4 शराब माफियाओं को गिरफ्तार किया है। अभी हाल ही में सहारनपुर में एक कार्यक्रम के दौरान कच्ची शराब का सेवन करने से 45 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। इन मौतों के बाद आसपास के सभी जनपदों में आबकारी और पुलिस द्वारा कारोबार करने वाले लोगों को धड़ पकड़ कर कार्यवाही चल रही थी। इसी कार्यवाही के तहत जनपद में पहले भी खादर इलाकों में कच्ची शराब का अवैध कारोबार कर रहे लोगों को पुलिस और आबकारी विभाग की संयुक्त टीमों ने छापे मार कर गिरफ्तार किया। सीओ सिटी महेश कुमार ने बताया कि चुनाव को लेकर थाना कोतवाली क्षेत्र के आसपास खादर के इलाकों में पुलिस को अवैध शराब बनाने का पता चला था। पुलिस ने खादर इलाकों में छापेमारी कर आज बड़ी मात्रा में कच्ची शराब को बरामद किया है। जी सर, जो शराब की भट्टियाँ पकड़े गए हैं, कितने लोग पकड़े गए हैं, कितनी मात्रा में शराब बरामद? देखिए, अभी जैसा कि आप जानते हैं, चुनाव के संबंध चुनाव आने वाले, उसी प्रकरण में काफ़ी अभियान चलाए जा रहे हैं अभी शराब के खिलाफ। और उसी क्रम में हमारे 2 थाना क्षेत्रों में, थाना कोतवाली शहर में 100 लीटर शराब और 2500 लीटर लहन नष्ट किया गया, जिसमें 4 व्यक्ति अरेस्ट किए गए हैं। इसके अतिरिक्त थाना हल्दौर में लगभग 40 लीटर शराब और एक व्यक्ति की अरेस्टिंग हुई है, और इसमें 2 भट्टियां भी पकड़ी गई।